Hello students, today we will discuss motion in a plane. Projectile discuss करेंगे, plane के अंदर motion discuss करेंगे. इससे पहले हमने previous lectures में uniformly accelerated motion पढ़ा है और वो uniformly accelerated motion हमारा along a straight line था. Projectile पढ़ेंगे, projectile भी uniformly accelerated ही है. But that motion is not along a straight line. We are discussing motion along a plane. तो plane के अंदर जब हम motion discuss करके चलेंगे, तो हम जो हमारी equations of motion हैं, वो आप directly use नहीं करके चलेंगे. What we will do? हमारे पास equation of motion थी, s is equal to ut plus half at square. इसको हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे. अगर हम मोशन अलोंग ए प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम जो दो एक्सिस की बात करके चलते हैं, उनमें एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस मान लेते हैं. तो हम एक काम कर लेंगे कि भाई इसको एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे. What is x not? Initial x coordinate है, ux क्या है? Component of initial velocity along x axis है, ax क्या है? Component of acceleration along x axis. दूसरी equation जो है हमारे पास y is equal to y not plus uyt plus half ayt square. v is equal to u plus at को भी दो हिस्सों में तोड़ लेंगे. कैसे? Vx is equal to ux plus ax into t and Vy is equal to uy plus ay into t. और थर्ड इक्वेशन है v square minus u square is equal to 2as. इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लेंगे हम. Vy square minus uy square is equal to twice of ay into y और vx square minus ux square is equal to twice of ax into x. इन रिलेशंस में हम इनको ब्रेक करके और मोशन अलोंग ए प्लेन डिस्कस करना चाहेंगे. मोशन अलोंग ए प्लेन हमारा जैसे प्रोजेक्टाइल है, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ करके चलेंगे. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या है? आपके पास प्रोजेक्टाइल है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली. आफ्टर थ्रोन सम फ्रॉम विद सम इनिशियल वेलोसिटी. After thrown from with initial velocity, जैसे हम किसी स्टोन को फेंक देते हैं, तो वो एक प्रोजेक्टाइल. स्टोन का मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, प्लेन के अलोंग जाता है. आपके पास ना तो वो लेफ्ट जाएगा ना वो राइट जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा और नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा. स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करके चलोगे तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा. ठीक है ना, वो लेफ्ट जाएगा ना वो राइट जाएगा. मान लो आपने क्या किया कि एक स्टोन को नॉर्थ की तरफ थ्रो किया, तो अब वो नॉर्थ की तरफ थ्रो कर दिया तो वो ना तो ईस्ट में जाएगा ना वेस्ट में जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ ही चलता चला जाएगा. हाँ, थोड़ी सी दूर आगे जा करके नीचे गिर जाएगा. यानी टू डायमेंशनल मोशन हुआ, अलोंग द नॉर्थ मोशन हुआ और वर्टिकल मोशन हुआ, दो तरह का मोशन हुआ. तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन है. जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करके चलेंगे, तो हम अपने लेवल के ऊपर कुछ अजम्पशंस लेकर के चलेंगे. क्या अजम्पशंस लेकर के चलेंगे? हम अजम्पशंस लेकर के चलेंगे, एक तो अर्थ रोटेट कर रही है, हम उस रोटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर मान करके चलेंगे, हम कंसीडर नहीं करेंगे. कुछ अजम्पशंस लेकर के चलेंगे हम
क्या अजम्पशंस लेकर के चलेंगे? पहली अजम्पशन हम लेकर के चलेंगे रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ। रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर, इज नॉट कंसीडर्ड। दूसरा क्या मान करके चलेंगे? दूसरा मान करके चलेंगे कि भाई हमारे पास अर्थ जो है वो प्लेन है, क्योंकि जितनी दूर हम स्टोन थ्रो करेंगे उतनी दूर में हमारे पास कर्वेचर जो है वो है। तो वैसे हमारे पास अर्थ राउंड शेप की, पर थोड़ी बहुत दूर के लिए इसको प्लेन माना जा सकता है। अर्थ इज प्लेन। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस क्या किया जाएगा? एयर रेजिस्टेंस हम मान करके चलेंगे कि नेग्लेक्टेड है। और फोर्थ हम मान करके चलेंगे कि जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बट फर्क इतना है कि भाई प्रोजेक्टाइल जो है आपका, दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट दैट इज नॉट वन डायमेंशनल, दैट इज टू डायमेंशनल। तो अब हम एक प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे, और आप बाद में फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या है हमारे पास सिंपल सा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम कैलकुलेट करके चलेंगे। प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। कहां से थ्रो किया गया है? फ्रॉम ए हाइट थ्रो किया गया है। उसके लिए हम डिफरेंट थिंग्स मान करके चलेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई टावर है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई टावर है। इस टावर की हाइट h है, इस टावर की हाइट h है। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है मेरी वो x एक्सिस है। आमतौर पर हमारे पास जो y एक्सिस होता है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है, बट मैं मान करके चल रहा हूं कि हमारे पास y एक्सिस जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। y एक्सिस को मैंने सिंप्लिसिटी के लिए नीचे रख दिया। नाउ दिस इज द पॉइंट O एंड दैट इज टेकन टू बी ओरिजिन। ओरिजिन लिया हमने। अब यहां से हमने एक स्टोन को थ्रो कर दिया ऐसे, इस डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो कर दिया, ऐसे थोड़ी जाएगा, दैट विल नॉट गो लाइक दिस। वो क्या पाथ फॉलो करेगा? दैट विल फॉलो पाथ लाइक दिस। That will follow path like this. That will follow path like this. इस तरह का पाथ वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब हम कैलकुलेट करके चलेंगे कि भाई वो आपका ऊपर से इस पॉइंट पर कितने टाइम में आया। और मान लो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? यहां से हमें शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता चलेगी। एक दिन पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वाई अगर एम एक्स प्लस सी के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो सर्कल है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है तो इलिप्स है, और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है। तो हम फाइंड आउट करके चलते हैं कि भाई ये कौन सी फॉर्मेट में इक्वेशन आए। तो मान करके चलते हैं कि भाई आपके पास जो है u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल है। अलोंग क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अगर बेटा u अलोंग हॉरिजॉन्टल है
तो यू एक्स तो यू बनेगा और यू वाई जीरो बनेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो यू का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग तो यू ही हो जाएगा, और किसका वाला यू का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना, इस एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री बना, तो यू का कंपोनेंट निकालने लगा तो यू कॉस 90 हो गया, तो यू कॉस 90 तो जीरो। दूसरी चीज ए एक्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वर्टिकल होता है, ए वाई वाई एक्सिस हमने नीचे मान रखा है और एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस हमने नीचे मान रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होता है, तो ए वाई किसके बराबर है आपका बेटा, जी के बराबर, ए वाई किसके बराबर हमारा, जी के बराबर। और अब ये डायरेक्शन मेरी किस चीज की है, जी की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया जी कॉस ऑफ 90, तो जी कॉस ऑफ 90 तो जीरो हो गया, ठीक है, तो ए वाई किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रेजेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मीनिंग है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग है वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, रिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं अप्लाई करता हूं एक्स इज इक्वल टू, एक्स नॉट तो जीरो मान रखा है हमने ओरिजिन के ऊपर, इसलिए एक्स नॉट नहीं लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट एक्स तो आ गया बेटा किसके बराबर आ गया, यू टी के बराबर, क्यों, क्योंकि ए एक्स तो जीरो के बराबर, x किसके बराबर आ गया, ut के बराबर आ गया, क्योंकि a किसके बराबर है, जीरो के बराबर, तो यहां से मेरे पास t इज इक्वल टू एक्स बाई यू हो गया, t किसके बराबर हो गया, x बाई यू के बराबर हो गया। ये लगा के चलते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y किसके बराबर, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y किसके बराबर हो गया, Uy तो जीरो है तो हाफ ए वाई किसके बराबर, g के बराबर और टी स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वेयर किसके बराबर हो गया, u x स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर, हाँ ये, तो यहां से मेरे पास y किसके बराबर आ गया, y आ गया हमारे पास k x स्क्वेयर के बराबर, k किसके बराबर, g बाई टू यू स्क्वेयर। तो ये आ गई, क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, पैराबोला आ गई, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, अब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हम कह सकते हैं कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल जो है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है आपका, पैराबोला है। अब हम कैलकुलेट करके चलेंगे कि कितने टाइम में जा करके ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, हम कैलकुलेट करके चलेंगे कि कितने टाइम में जा करके ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, यानी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये पॉइंट तो आपका पी पॉइंट है, एनी पॉइंट है, बाद में डिस्कस करके चलेंगे इसको, एक्स वाई रिलेशन तो हमने इसकी कैलकुलेट कर ली, अब वो यहां पर आकर के कितनी देर में फॉल करेगा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब अगर मैं बात करके चलूं वाई इज इक्वल टू एच की, तो टी बेटा टी के बराबर हो जाता है, वाई किसके बराबर, एच के बराबर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बात करके चलूं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो बेटा r है, y कोऑर्डिनेट इसका h है और टाइम कोऑर्डिनेट इसका t है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आकर के गिरी, यहां तक आते आते उसने कितना टाइम ले लिया, कैपिटल T टाइम ले लिया,
उसने यहां से आते आते कितना टाइम ले लिया, कैपिटल टी टाइम ले लिया, राइट। तो ये आपके पास आर जो है हॉरिजॉन्ट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एच जो है वाई कोऑर्डिनेट हो गया और टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस लगा देते हैं, क्या इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई किसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया, यू वाई जीरो के बराबर हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी आ गया हमारे पास किसके बराबर आ गया, टू एच वाई जी। टी किसके बराबर आ गया हमारे पास, टू एच वाई जी के बराबर। नाउ कितनी दूर जाकर के गिरेगा, बॉटम से कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से कैलकुलेट करके चल सकते हैं, अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एक मैं साइड में लिख देता हूं। एक तो ये कैलकुलेट कर लिया, जब इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो ये आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है तो टी किसके बराबर आता है, टू एच बाई जी के स्क्वेयर रूट के बराबर आता है। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, इनकी हेल्प लेकर के चले। अब मैं पहले इसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल करके चलता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसको, फुट ऑफ द टावर से कितनी दूर जाकर के गिरेगा। तो वही तरीका लगाता हूं, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, आर कोऑर्डिनेट के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, एच कोऑर्डिनेट के बराबर है। वी नो दैट, वी नो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये इक्वेशन केवल तभी ट्रू है जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी टावर के ऊपर से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। अगर ऐसे थ्रो किया तो भी एप्लीकेबल नहीं है, और अगर ऐसे थ्रो किया तो भी एप्लीकेबल नहीं है। ये आपकी तब आई जब हमने यू वाई को किसके बराबर लिया, जीरो के बराबर। अगर आप यूं थ्रो करोगे तो भी यू वाई कंपोनेंट बनेगा, अगर आप यूं थ्रो करोगे तो भी यू वाई कंपोनेंट बनेगा, यानी ये इक्वेशन तब वैलिड नहीं हो पाएगी। ध्यान से आप इस चीज को नोट करिएगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन जब आपके पास प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर वाई इज इक्वल टू एच। ये तो निकालना है अपने को कि हमारे पास x किसके बराबर है, r के बराबर है, तो y किसके बराबर है, h के बराबर है। तो हमारे पास ये आ गया h इज इक्वल टू हाफ g r स्क्वायर बाई u स्क्वायर, और r ये लिख देता हूं मैं u स्क्वायर इंटू टू एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r किसके बराबर आ गया, r आ गया हमारे पास किसके बराबर आ गया, आर हमारे पास, आर आ गया हमारे पास, यू बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में बच गया, किसके बराबर बच गया, टू एच, ये आर की वैल्यू आ गई। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज को ही दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को ही दूसरे तरीके से कैलकुलेट, हॉरिजॉन्टल रेंज का दूसरा तरीका क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का दूसरा तरीका है भाई अलोंग एक्स एक्सिस गया तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स किसके बराबर, आर के बराबर, यू एक्स किसके बराबर, यू के बराबर, टी किसके बराबर, कैपिटल टी के बराबर। यानी जब वो जमीन पर गिर गया है तो उसने कितना टाइम लिया है, टी टाइम लिया है, तो उतने डिस्टेंस में उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने टाइम में उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आपको फास्ट लग रहा है हल्का सा तो मैं स्लो हो जाता हूं, या फिर आप अपनी प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लें। ए एक्स किसके बराबर हो गया, ए एक्स आपका किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, पहले ही दे रखा है। और टी किसके बराबर है, टी हमारे पास ये था। तो आर किसके बराबर हो गया, आर हो गया हमारे पास यू इंटू 2h upon g, r किसके बराबर हो गया u into 2h upon g। अब next एक चीज और निकालेंगे इसके लिए, और बाद में फिर क्या कहते हैं
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. व्हाट वी विल डू, हम क्या करके चलेंगे, हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करके चलेंगे. तो चलो अभी मैं बात करके चलता हूं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है इसके टेंजेंशियली ऐसे जा रही है, ये वी वेलोसिटी. इसके दो कंपोनेंट कर दिए हमने, एक इस डायरेक्शन में ये वी एक्स हो गया, एक इस डायरेक्शन में ये वी वाई हो गया. हम वी एक्स और वी वाई अलग अलग निकाल करके चलेंगे, हम वी एक्स और वी वाई जो है वो अलग अलग निकाल करके चलेंगे. मान लो ये एंगल हमारे पास किसके बराबर है, बीटा के बराबर है. तो व्हाट इज वी एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. तो वी एक्स तो बेटा आपका सीधी सीधी बात आ गई, यू ही आ गया. क्यों आ गया यू के बराबर, इसलिए आ गया यू के बराबर क्योंकि ए एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. तो आपके पास वी एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर है. व्हाट इज वी वाई, वी वाई किसके बराबर, वी वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब ये तो जीरो है, ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू टी. अब ये तो जीरो है तो ये आपके पास आ गया जी टी. तो v किसके बराबर, हमारे पास v किसके बराबर, v x i प्लस v y z. तो ये आपके पास u i प्लस g t j. v किसके बराबर आ गया, u i प्लस g t j. तो v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, कोई पीछे तो स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. बॉटम के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, भाई किस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो इस टी की जगह क्या आ जाएगा, टू एच बाई जी आ जाएगा. अब ये एंगल कितना बड़ा, बीटा. तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट बीटा होता है आपके पास वी वाई अपॉन वी एक्स. टेंजेंट बीटा हमारा किसके बराबर होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स. तो वो हो गया हमारे पास जी टी डिवाइडेड बाई. तो ये सारा कुछ हमारा एक फंडामेंटल सा बना लिया, ये क्या कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है फ्रॉम ए गिवन हाइट. फिर मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि ये प्रोजेक्शन के जो फार्मूले आए हैं ये केवल तब आए हैं जब आपने किसी गिवन हाइट से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. अगर आपने ऊपर या नीचे थ्रो कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ क्रैम्ड फार्मूले काम नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट काम करेगा. क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, यू एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, यू वाई की वैल्यू क्या है, और बाद में फिर उससे हम सॉल्व कर ले. थैंक यू.